ब्रोमेमाइड रिएक्शन। मैं देखो बिना मतलब की रिएक्शन में हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, कोई हाफ मैन नहीं बोलेगा उसको, हाफ मैन। हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, आधा आदमी है ये, आधा आदमी, आधा आधा जीवन साधा, आधा आदमी, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी अपना काम अद्धे से चलाया। अद्धा जानते हो तुम लोग, कुछ लोग सेंटी वाले सर क्या सुबह पहले आप ठेका तो खुल चुका है गवर्नमेंट के हिसाब से, बिल्कुल लीगल बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे रोक नहीं सकते ऐसी बात करने से। अगर मैं ऐसी बातें अगर 10 बजे से पहले कहता हूँ तो आप लोग रोक सकते हैं मुझे। तो ये हाफ मैन था क्यों? क्योंकि इसने अपना काम हाफ से चलाया। क्यों? आधा आधा जीवन साधा, आधी रोटी आधा कपड़ा, आधा आधा जीवन साधा। सो प्लीज ये सब बात इंपॉर्टेंट नहीं, अब जो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ सुपर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। तुम लोग दांत निकालने में रह जाते हो फिर तुमको समझ में आता नहीं है। देखो इसमें RCONH2 is reacted with the bromine in the presence of KOH. RCONH2 is reacted with the bromine in the presence of KOH और इससे बनता है ये प्राइमरी मीन। ये बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबको पता ही बनता है। इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली जेई मेंस में जो क्वेश्चन आया था उसी को बेस था। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आता तो आप उसका आंसर दे ही नहीं सकते, हमने रटा हुआ है ना तो आपको आंसर नहीं। और आप लोग सारे सारे क्या हो, रट्टू तोते? नहीं सर हम तो तोते सर तोते तो कुछ है कि हम लोग तो ओके फाइन। सो दिस इज यू हैव द माइंड, बताइए क्या रिएक्शन होगी। हाँ राधिका बताओ क्या रिएक्शन होगी। कुछ आइडिया है, कुछ हो सकता है? यस ऋतिक प्लीज लेट मी नो। यस देयर विल बी द एसिड। भाई आपने अगर बेस यूज किया है तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। बेस जो है वो इसकी हड्डी तोड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अब इसके पास में एक ही रास्ता है, ये हाइड्रोजन, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबल थ्रू द रेजोनेंस। ठीक है तो फर्स्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। भाई यहाँ पर जो सबसे रिएक्टिव चीज है ना वो कौन है, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है OH माइनस, ये रुक नहीं सकता। सो फर्स्ट विल बी द एसिड बेस रिएक्शन। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब एसिड बेस रिएक्शन होती है उसके बाद दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक। इसी के साथ में हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन समाप्त, क्योंकि इसमें यही होगा बार बार। प्लीज नाउ लुक एट हियर, आर सी ओ एन एच टू इज रिएक्टेड विद द के ओ एच, और के में बेसिकली काम की चीज कौन है, ओ माइनस, ये यहां से आएगा और एच प्लस ले जाएगा। ठीक है बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, क्यों समझ गए ना इसका मतलब आप लोग, बहुत बढ़िया। तो आपके इसमें बनेगा आर सी ओ एन एच माइनस के प्लस, दिख रहा है आप लोगों को नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 हो गई है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एन के प्लस। ठीक है तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल नाउ, अब क्या होगा, और साथ में क्या बन गया, वाटर। अब क्या हो सकता है, सेकंड स्टेप एसिड बेस रिएक्शन के बाद 99% कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट कैन बी इंट्रामोलिकुलर और इट कैन बी द इंटरमोलिकुलर। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
तो इसका ये बदला लेने के लिए खुद आएगा अब कि मुझसे मेरा OH माइनस छीन लिया, एक OH माइनस की कीमत मैं वसूल के रहूंगा, नहीं जानता कीमत। माइनस के प्लस, के प्लस लफड़ा इधर कुछ बी आर, के चाहता है कि मैं इन, ये अजीब अजीब से लोग हैं ये, एक CO एक नाइट्रोजन, ये मैं इसके साथ में रहना चाहता हूँ क्योंकि हैलोजन है। ये यहाँ पर आके बैठ जाएगा कि कोई तो आए। अब क्या होगा, यू नो वेरी वेल दैट वी हैव नेगेटिव चार्ज हियर, या इंडक्शन होगा, इंडक्शन। अरे इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा ना, कुछ ना कुछ चार्ज, चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। अरे तुम्हें कैसे बता वरना चार्ज क्या होता है, बिना फील्ड के तुम बता ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, उसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसको अपन क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, या इंडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन। और जैसे इसको मौका मिला, वाह मेरे शेर ये इलेक्ट्रॉन ले, खुश रहे और लेगा, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। क्यों, क्योंकि के प्लस क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रॉन दे चुके सनम, यहां पर ये गाना काम में आया है, और यहां पर जिम्मी आजा, दोनों गाने आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आगे कुछ हो सकता है। सो वी गेट दिस आर सी ओ एन एच बी आर। ये सब पूछेंगे आप लोगों को कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन से बनते हैं, तुमको ये नहीं रटना डायरेक्टली वो, मतलब अगर कोई मुझसे कहता है कि इस रिएक्शन में सबसे कम काम की चीज कौन सी है, तो मैं कहूंगा ये, कोई काम नहीं आती कभी भी, इस पे आपको क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं वो कभी। हाँ अगर आप लोग अगर 12वीं क्लास में होते तो मैं कहता कि हाँ ये काम की चीज है, लेकिन अब आप लोग काम की चीज बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ, ठीक है। अब ये आपके पास फिर से बन गई न्यूट्रल स्पीसी। थर्ड रिएक्शन फिर से क्या हो सकती है, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि आपके पास में जो नाइट्रोजन है उसके पास अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मानते हो नहीं मानते हो, और अब ये ज्यादा एसिडिक हो गया है, नहीं भाई हैलोजन एंटर हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा भाई। पहले तो देखो सुनना मेरी बात, पहले तो हाइड्रोजन थी, तो नाइट्रोजन की हड्डी तोड़ लेता था आराम से, लेता था इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास में और आएगी ब्रोमीन, तो क्या कहेगी, मैं नहीं दूंगी, तो ये हड्डी किसकी तोड़ेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, तो इट बिकम्स मोर एसिडिक, यू गेट दिस वन कंडीशन आर सी ओ एन एच बी आर। और फिर से के प्लस ओ एच माइनस आएंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और क्या बनेगा, आर सी O N माइनस बी आर और K प्लस यहां बैठा है, साथ में आ गया आपके हाथ में वॉटर। ठीक है, अरे ठीक है ना। अब इस रिएक्शन का सबसे मेजर स्टेप आ रहा है, की स्टेप, जो आपके पास में आर सी ओ एन माइनस का मतलब बी आर का मतलब क्या समझ रहे हो आप, हाँ यहां आपके पास में दो लोन पेयर्स हैं, यहां आपके पास में तीन लोन पेयर्स हैं, एक्सेसिव रिपल्शन, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा, कैसे ब्रेक हो जाएगा, होमोलिटिकली, कैसे ब्रेक हो जाएगा, होमोलिटिकली, और ये बॉन्ड यहां से धड़ाम से टूट जाता है। कैसे जाना चाहिए आप लोग, मतलब आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर ये ऐसे टूटे या फिर तीन लोन पेयर हैं
के प्लस भी वेट कर रहे हैं बाहर, रिक्वायरमेंट क्या है बाहर? भाई रिपल्शन तो हो रहा है, मैं बिल्कुल मानता हूँ आप लोगों की बात कि रिपल्शन हो रहा है, ये लोन पे रिपेल कर रहे हैं आपस में, लेकिन के प्लस तो इसी को खींचना चाह रहा है और ये भी चाह रहा है कि ये भाई ये नेगेटिव स्पीसी है, खुद चाहती है कि यहाँ से कोई नेगेटिव चीज ही बाहर जाए ना कि फिर रेडिकल, वरना और दिक्कत रिड्यूस करेगा। तो बेसिकली बी आर डॉट के बजाय कौन बाहर जाता है? बी आर माइनस। तो अगर बी आर माइनस यहाँ से बाहर जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। एंड वी गेट दिस आर सी डबल बॉन्ड ओ एन। इसके ऊपर कितने लोन पेयर? हाँ लोन पेयर तो एक ही रहेगा, बाकी दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक लोन पेयर होता है, उसमें से एक अनपेयर्ड तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रखा है और दो अनपेयर्ड ऐसे रहेंगे और एक लोन पेयर। वी गेट दिस आर सी ओ एन प्लस प्लस के बी आर। ठीक है, नाइट्रोजन नन्ना मुन्ना बच्चा, नन्ना मुन्ना राई, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग। इसी पे इस रिएक्शन का राज छिपा हुआ है। आप लोग हर बात को मजाक में लेते हो, क्या बोल रहे हैं आप लोगों को? नन्ना मुन्ना राई, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग। पक्का बोलोगे ना आप लोग? नाउ लुक एट हियर, ये नन्ना मुन्ना राही जो है, अब अगर इसके पास में बॉल्स हैं, ये और ये, तो क्या करेगा ये? एक छोटे बच्चे का गेंद क्या करता है? उसका ऐसे मारता है, दीवार पे मार के मारता है, खेलता है उससे। तो ये नाइट्रोजन भी खेल रहा है उससे, और गलती से एक बॉल सीधी जाके वापस आने के बजाय हेड यहां चली गई उड़ती, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है भाई, ये जो इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो हाईली रिएक्टिव है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इनका। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेसिकली उनसे ये खेल रहा था, और ये प्रोजेक्टाइल करते हुए मैक्सिमम हाइट के बजाय एंगल आपने 90 से कुछ चेंज कर दिया, या जो भी होता है उससे आपने कुछ चेंज कर दिया, तो क्या हो जाता है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ऐसे, और क्या बनता है उसे? आर डॉट सी डॉट और एन एज इट इज है, ये इसका लोन पेयर एज इट इज है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तोड़ के वापस चला गया, यूं आया और यूं चला गया वापस। बात समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब ये आया और तोड़ के वापस चला गया, तो यहां क्या बच जाएगा? आर डॉट सी डॉट एन लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? हाथों हाथ इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हाथों हाथ इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? एन, देखना एक बार, सी एज इट इज डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड हो रखा है एन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इसका लोन पेयर, ये इसका एक और फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां बॉन्ड बन जाएगा, और यहां पर कौन आ जाएगा? आर डॉट आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एल्किल आइसो साइनेट। क्या बोलते हैं इसको अपन? एल्किल आइसो साइनेट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एल्किल आइसो साइनेट। एल्किल आइसो साइनेट बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अरे ठीक है क्या, बोल तो लो तुम लोग थोड़ा, तो नहीं बोलोगे? बोलो, थोड़ा सा बोलो। सो दिस इज द की स्टेप वेयर वी गेट दिस, दिस कन्वर्ट्स इनटू केबीआर प्लस आरसीओ एंड दिस एंड फर्दर। ये जो नन्ना मुन्ना राई है, ये खुद के इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बॉल्स है उनको फेंक रहा है, वापस इसके पास में चली गई, लेकिन ये बॉन्ड को सत्यानाश करके चली गई।
और आपके पास में बना आर एन सी ओ, एल्किल आइसोसाइनेट। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके पास में और कुछ है इस रिएक्शन में जो बचा हुआ है? वाटर के दो मॉलिक्यूल्स ये रहे। अरे हमारा भी तो कुछ करो, हम परेशान हैं भाई। तो क्या करते हैं, ये जो आपके पास में एल्किल आइसोसाइनेट बना है उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। क्या कर देंगे? उसका हाइड्रोलाइसिस। तो दिस द एल्किल आइसोसाइनेट और वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मैकेनिज्म आप लोग लिख सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिखना अभी शांति से बैठ के, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रीम, तो OH इधर, H इधर, OH इधर और H इधर, क्या बन जाएगा ये? RnS2 प्लस H2CO3। तो इस रिएक्शन में जो आपके पास में H2CO3 बना वो क्या है? एसिड। क्या है वो? और आपके पास में कौन पड़ा है? KOH। तो दो मोल्स तो इसके यहाँ काम में आ गए थे, KOH का एक मोल यहाँ काम में आया, दूसरा मोल यहाँ काम में आया, अब बाकी दो इसको न्यूट्रलाइज करने के काम में आ जाएंगे। KOH प्लस H2CO3 क्या बनेगा? K2CO3। तो अल्टीमेटली अपन इस रिएक्शन में क्या लिखते हैं? 4KOH। क्या लिखते हैं? क्योंकि दो तो आपको एसिड बेस रिएक्शन में काम में आ गए और दो इस H2CO3 को न्यूट्रलाइज करने के काम में आएंगे, जिससे आपके पास में क्या बनेगा? K2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, K2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन में 4 मोल्स ऑफ बेस काम आता है, इनिशियली एसिड बेस रिएक्शन में 2, उसके बाद में जो आपके पास में एसिड बनता है H2CO3 उसको न्यूट्रलाइज करने में 2 मोल। ठीक है, एल्किल आइसोसाइनेट इसका एक इंटरमीडिएट है, ये भी इसका एक इंटरमीडिएट है, ये भी इसका एक इंटरमीडिएट है और ये भी इसका एक इंटरमीडिएट है। ये चारों इंटरमीडिएट्स आप लोगों को पता होने चाहिए जो इस रिएक्शन में बनते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस रिएक्शन में जो आपके पास अमीन बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एक कम होगा इन कंपेयर टू द अमाइड, क्योंकि H2CO3 बना है तो एक कार्बन हाइड्रोलाइसिस के वक्त इसमें चला गया H2CO3। ठीक है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जो है उससे अपन प्योरेस्ट अमीन अचीव कर सकते हैं। और कितनी बार, सुनना मेरी बात, कितनी बार आपको ये लिखने के बजाय ऐसा दिया हुआ हो सकता है KOBR, क्या रहेगा? KOBR। तो उसका मतलब भी क्या है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ब्रोमीन ही यूज करेंगे आप, और कोई सा हैलोजन यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में बेंजेमाइड है, कौन है, और उससे आपको बनाना है एनिलीन, क्या बनाना है, तो आप ये रिएक्शन काम में ले सकते हैं क्योंकि सीओ गायब हो जाए। ठीक है, दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है।